सुनो बेटा, कार्यक्रम तुमने रखा है भक्तों ने, अच्छी बात है बेटा। कुछ मांगना है? हाँ बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। और कुछ मांगना है? चलो कोई बात नहीं, मेरी दुआ है तुम्हारी। बेटा एक बात पूछी तुमको, तुम्हारे बाबा ने कार्यक्रम कैसा किया यही पूछना चाहता हूँ मैं। सही बोलना, झूठ मत बोलना। क्या बात? मैं दूसरी बच्ची को पूछता, तुमको नहीं पूछूंगा मैं। ये ऐसे पकड़े ए बेटा, हाँ मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे बाबा ने कार्यक्रम कैसा किया है बात पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे। अच्छा, सब सब उसके तरफ है, मैं इधर देखता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा ने कार्यक्रम कैसा किया वो पूछना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फकीर है तो कुछ भी करते हैं। हाँ मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूँ, ये पीछे वाले है, अरे कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ ना? सही बोलना, छोटे मत बोलो, जो भी आता हो भी बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छी बात। तुमको पसंद आया? तुमको तुम्हारे बाबा ने अच्छा कार्यक्रम किया मेरे भोला ने, तुमको पसंद आया? कह रहे बेटा मैं बात पूछू, मैं फकीर है, जब तुमको इतना पसंद है मेरे मालिक को कितना पसंद होगा बेटा। बेटा एक बात बोलू, और मैं यहाँ दिन भर में इनको बैठा के रखा था, उसने या फरस था मैं, तब भी तुम्हारी समझ नहीं आया नहीं, फकीर कहा था, क्या बोला मैंने? इंशाल्लाह से वल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह दोम दोम इंशाल्लाह बेटा। कानून गाता है, वाह मैं धन्य हो गया, वाह मरे। ए तुम्हारी बाबा को बोल, शादावल ने बोला है था, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रही। मालिक मालिक मालिक, मेरा मेरे लिए रोता है, मैं उसके लिए रोता है, क्या नीला है तेरी मालिक, क्या नीला है। फकीर मेरे लिए रोता है, मैं उसके लिए रोता हूँ, क्या बात है मालिक, सब तुम्हारी नीला होगी, सब तुम्हारी नीला होगी मालिक। ये जन्म में मेरा मेरे भोला को मेरा दास पूरे जन्म जन्म से बनाया है तूने, ये जन्म में इसने चाहिए, जहां भी मैं अवतार लूंगा ना शादावल वहां पर मेरा बेटा चाहिए। मालिक सब तेरी जादू की नीला है, कमाल। आओ बेटा, हा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 
यहाँ पर मत तैरना, मत यहाँ पर आकर के ना हो तो फिर ये वहां ऊपर आ। अरे देखो कोई नाराज है मेरे ऊपर, कार्यक्रम बहुत वो 27 तारीख का कार्यक्रम उसने पुकारा, नाथा उसका भी पुकारा उसने, वो रात भर 27 का कार्यक्रम करो, सुबह वो 28 का वो मेरे बाजू में कार्यक्रम वो श्रीडी में रामपुर वाली में काय का बंद है, मतलब काय के लिए अरे दूसरा जी दादी मतलब उसने तुम्हारे बाबा ने उसको हाँ बोला था बेटा, मतलब वो बाबा ने पहले बोल रहा था, वो तो गांव का सरपंच है ना, करो बाबा तुम्हारे बाबा ने क्या बोला, वो बहुत पीछे लग रहा मतलब उसको हाँ बोल दिया, तुम्हारे बाबा ने क्या किया बेटा आज तक, क्या भी कार्यक्रम किया ना बेटा, कोई भी हालत में कीर्तनकार तो भी दूसरा कीर्तनकार भेजेगा, मतलब तुम्हारा बाबा वो काम नहीं करता है, जहाँ कार्यक्रम होगा वहां पर जो दुनिया रह देखती है कोई भी हालत में पहुंचना चाहिए, ये तुम्हारे गुरु का आदेश देता है, मतलब वो नाराज हो गए उन्हें, किसने अरे वैसी बात नहीं है, उसका कहना क्या है तुम्हारी गुरु जी का कार्यक्रम रखने का, सब गांव का कहना था, वो सरपंच क्या बोला था, बोल रहा बाबा सबका कहना ऐसे सप्ताह में तुम्हारा कार्यक्रम चाहिए, समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, वहां पर कार्यक्रम था माँ के मंदिर में, एक बात बोलो बेटा ये बात सही है, फोन पे तारीख लेते हैं तो वो भी भक्त बेटा, फोन की ऐसे मन में नहीं लेना चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कार्यक्रम पे कोई भी आएगा कोई भी जाएगा क्या रे, अरे जो भक्ति जो जो भगत की ध्यास करते है भक्ति गाता है वही आ सकता है, मतलब मेरा कहना साधु की पके के कार्यक्रम में कौन आ सकता है, अरे कोई जिसका कर्मा अच्छा है वही आता है, भुला कर नहीं आना चाहिए बेटा, ना खूब नहीं आना चाहिए, चाचा हो चाची आओ ऐसा नहीं बेटा, ये तुम्हारे शादी में तुम्हारे मेहमान में कोई नहीं आता उतर चलता है, मालिक के कार्यक्रम में जो भक्ति करता हो जो भक्ति करने वाला कोई भी हालत में वहां पर पहुंचता है, जो जिसके हृदय में भक्ति नहीं मालिक के पर मालिक के जो साधु संतों की इज्जत नहीं तो वो नजदीक होकर भी यहाँ पर नहीं आ सकता है बेटा, जो साधु संतों की इज्जत करता है मालिक की भक्ति करता है यहाँ योला से नहीं बेटा, यहाँ पर कितने भी दूर हाँ ना गुजरात हो क्या अमेरिके हो वहां तक आना पड़ेगा, क्या भक्त से वही काम कर सकता है, बुलाकर नहीं बेटा तू आओ, जो खराब सच्चा भक्त रहता है बेटा या गुरु जाता है वही भक्त जाते हैं, बात गुरु देख तुम्हारे बाबा सब ये भक्त तुम्हारे बाबा के ऊपर प्रेम करते हैं भक्ति करते हैं विश्वास होता है, मतलब तुम्हारे बाबा विश्वास करते हैं सही ना, मतलब मेरा कहना ऐसा है भक्ति मार्ग भुला कर नहीं करना चाहिए, वो खुद आना चाहिए था भक्ति मार्ग होती है बेटा, समझ में आ रहा क्या, चलो कोई बात नहीं अच्छा हुआ ये कीर्तन ने उसने रखा नहीं है, तुम्हारा सारे मेरा तुम्हारे बाबा का कार्यक्रम था तुमने किया तुमने इसमें ये बेटा ये एक और दो अनेक होती बेटा, अरे तकलीफ करते हैं जिसके साथ में शादा वो लेते हैं उसको काहे के लिए तकलीफ देना, मैं बेटा हूं ना बेटा, तेरा बाबा का जिस टाइम में कार्यक्रम में पैर गया वही टाइम में साधु शादा वाले दुनिया में नहीं रहेगा बेटा, नाम नहीं रहेगा कारण बहुत वाला है, उसका कहना ऐसा है मैंने कितना धन दौलत कमाया उसमें मेरे को सोना नहीं बन सकता है, जो तेरा नाम लूंगा वो मेरा सोना है, तुम्हारी गुरु का कहना है,
ये सबके काम में बेटा, वो कार्यक्रम उसके हिसाब से कैसा है तुमको बताओ क्या। एक बात ऐसी बात नहीं है, ये उसका कहीं ना क्या है, खाली मालिक का नाम, मालिक का नाम। और जैसे मूर्ति लोगों में आकर समझ लेना तूने बहुत कमाया, और तूने जब भगवान का मालिक का यह झंडा नहीं लगाया तो क्या फायदा है तुम्हारा, सही है ना। ये दुनिया का क्या फायदा है जिसको जिसने देख बेटा, जो मालिक देता तो चप्पल फाड़ के देता है बेटा, इंशाल्लाह मालिक बहुत बड़ा है। इसलिए डरना मत, मेरे दुआएं तुम्हारे साथ रहे। मैं धन्य हो गया तुम्हारी भक्ति देखकर, तुम्हारे गांव में तुम्हारे बाबा भी जब आया ना, तुम्हारा बाबा जैसा है वैसा नहीं है, समझ लेना शादावल और साई आ गया बेटा, मेरी दुआ है। कोई नाराज मत होना, मैं आता हूँ। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटी, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटी, मेरी दुआ पद्धतीने जेवण करूया, प्रसाद आरती घ्या।